हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे, जिसके लिए हम 2 कप मैदा लेंगे, जिसे हम छान लेंगे। एकदम बाजार जैसे भटूरे आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। 4 चम्मच हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे। सूजी बारीक मोटी जो आपके पास हो वो ले सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई चीनी और 1 चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा। और मैंने 1/3 कप दही लिया है, हल्की खट्टी दही है, ज़्यादा खट्टी दही हमें नहीं लेनी है। वो हम इसके अंदर डालकर दही को मैदे के अंदर अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। तो देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से मैदे को अच्छे से दही के अंदर मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो लगाएंगे। तो डो आपको ज़्यादा मसल मसल कर नहीं लगाना है, हल्का सॉफ्ट ही डो हमें लगाकर तैयार करना है। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी का बटन है उसे ज़रूर दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, इस तरह से हमें सॉफ्ट डो लगाना है। डो पहले आपको थोड़ा चिपचिपा लगेगा और फिर हम इसे 10 से 15 बार इस तरह से पटकेंगे, जिससे डो जो है वो चिकना हो जाएगा और हमारे भटूरे जो है एकदम फूले फूले बनकर तैयार होंगे। थोड़ा सा अब हम इसके अंदर ऑयल लगाएंगे। मैदा जो है हाथों पे चिपक रहा है, फिर ये चिपकेगा नहीं। तो बस थोड़ा सा तेल लेकर हम इसे इस तरह से पटकेंगे। ऐसा करने से डो जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और भटूरे हमारे एकदम बाजार जैसे फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे इस तरह से पटक पटक कर सॉफ्ट कर लिया है। इस तरह से आपको मसलना है। और अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। और इसके ऊपर हम गीला कपड़ा ढक देंगे और 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। हाथों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। 15 मिनट बाद हम डो को चेक करेंगे। हाथों को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसे एक बार वापस से मसल लेंगे। मैंने तेल गरम करना रख दिया है। आप देख सकते हैं, डो जो है कितना सॉफ्ट हो गया है। और अब हम भटूरे बनाएंगे। जितना मोटा भटूरा आपको बनाना हो उस हिसाब से ले सकते हैं, पर ये फूलते हैं तो ज़्यादा मोटा ना बनाएं। तो हाथों से भी बना सकते हैं और चकले पे भी बना सकते हैं आप। तो मैं हाथों से आपको पहले बनाकर बताऊंगी। इस तरह से आपको भटूरा बना लेना है, इस तरह से फैला लेना है। इससे भटूरे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लंबा बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, चौकोर बना, जैसा आपको पसंद हो भटूरे वैसे बना सकते हैं। तो एकदम गरम तेल में हमें भटूरे को डालना है और इस तरह से ऊपर इसके हम ऑयल डालेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। जब भटूरा कढ़ाई के अंदर डाल दें तब गैस का फ्लेम मीडियम कर लें। और तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है, तभी आपके भटूरे जो है फूले फूले बनेंगे। तो देखिए, एक भटूरा हमारा बन गया है, गुब्बारे के जैसे ये फूल गया है। इसे निकाल लेंगे और इसी तरह हम दूसरा भटूरा बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड भटूरे बनाना। घर पे आप बाज़ार जैसे भटूरे बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। घर पे तो हम बाज़ार से भी अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हम साफ़ सफाई से इसे बनाते हैं। तो देखिए, ये भी बन गया है। अब मैं आपको चकले पे भी बना के बताऊँगी कि भटूरा हम चकले पे भी बेल कर बना सकते हैं। जिनके हाथों से नहीं बनता है ना फ्रेंड, तो आप इस तरह से चकले पे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। तो किसी भी शेप में आप इसे बेल सकते हैं, ऑयल शेप में, गोल शेप में, जैसे भी आपको हो पसंद हो। तो देखिए, इस तरह से हम बेल लेंगे। और इसे भी हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसे हम ऊपर से गरम गरम ऑयल डालेंगे। इससे हमारा भटूरा जो है गुब्बारे के जैसे फूल जाएगा। बहुत ही टेस्टी भटूरे बने थे फ्रेंड्स, सबको घर में बहुत ही पसंद आए। और बाज़ार में हम 2 भटूरों से ज़्यादा खा नहीं सकते हैं। और घर के जो भटूरे थे, सबने 5-5 भटूरे खाए, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बने थे। काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं घर पर बनाए हुए भटूरे।
तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो सभी भटूरे हम इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने सभी भटूरे बना लिए हैं और मैं आपको भटूरा तोड़कर भी दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए कितना अच्छा एकदम बाजार जैसा बना है ना, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी फूला फूला भटूरा हमारा बनकर तैयार है। मैंने इसे छोले के साथ सर्व किया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।